अच्छा इनका तेल तो नहीं निकला हुआ? नहीं नहीं, ये कलर डला हुआ है? नहीं नहीं, शुगरखानी किशमिश बार बार तुम्हारे से लेगा खुशी से। आदमी कहेंगे कि कहीं सोना तो नहीं ले रहे मगर के लोग देखते सोने से भी फायदा मंद है। ड्राई फ्रूट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो सबसे अलग है। इतनी सारी ड्राई फ्रूट्स की वेराइटी एक साथ आपने कभी नहीं देखी होगी, और सारे ड्राई फ्रूट्स की जो खासियत है वो भी बताने वाली हूँ। कीमत तो देखकर आप चौंक जाएंगे और आपके मुंह से निकलने वाला है क्या बात है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट। जी हाँ, ये ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। कहाँ के हैं ये भी आपको पता चलेगा, प्राइस भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। घर बैठे आप इन्हें मंगवा भी सकते हैं, बस वीडियो पे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम अकरम भाई, ये आपके ड्राई फ्रूट्स कहाँ के हैं? ये अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट हैं। अकरम भाई क्या खासियत है? अकरम भाई बताते हैं कि उनके ड्राई फ्रूट्स जो है वो टेस्ट में अलग है, उनका मज़ा अलग है। उनके पास ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटी है। उन्होंने हमें दिखाया कि ये ड्राई मैंगो है, इसकी कीमत 1800 रुपये केजी बताई, और बताया कि ये मैंगो जो है अफगानिस्तान में आसानी से सूख जाता है, इंडिया में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आप इसे नहीं सुखा सकते हैं, और इसका टेस्ट आम मैंगो से अलग होता है। अब उन्होंने दूसरी चीज़ दिखाई, वो थी कीवी। कीवी को मैं देख के एकदम ही चौंक गई क्योंकि उसका रंग काफ़ी हरा था। बताया कि इसकी कीमत जो है 1600 रुपये केजी है, और ये अफगानिस्तान की कीवी है, इसी वजह से इसका रंग अलग है। कलर डला हुआ? नहीं नहीं, लगातार एक के बाद हर एक ड्राई फ्रूट्स की कीमत पूछती जा रही थी और वो उसकी खासियत भी बताते जा रहे थे। अब मेरी बारी थी खजूर के बारे में जानकारी लेने की। उन्होंने बताया कि ये जो मेरे हाथ में खजूर है इसकी कीमत 1600 रुपये केजी है, और इसका नाम कलंगी है। थोड़ा टेक्सचर में सूखा था, लेकिन अब जब मैंने दूसरा खजूर उठाया तो उसके बारे में बताया उन्होंने कि उसका नाम अजवा है, जिसकी कीमत 2000 रुपये किलो है। पूछा कि इतना महंगा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि शुगर पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। ध्यान रखिएगा, अजवा जो है वो शुगर पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। अब बारी आती है बादाम रोगन के बारे में जानने की। बादाम रोगन की जो कीमत थी वो 120 ग्राम की कीमत 900 रुपये थी। ठीक है, लगातार हम एक के बाद एक ड्राई फ्रूट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अब बढ़ रहे हैं हम चिलगोजे की तरफ। चिलगोजे की कीमत सुनकर शायद आप चौंक जाएं क्योंकि इसकी कीमत है 4000 रुपये केजी। अब है मुनक्के की बारी। मुनक्के की भी काफ़ी वैरायटी उनके पास है, लेकिन ये जो मुनक्का मेरे हाथ में है इसका नाम वाम तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन इसकी जो कीमत थी वो है 1400 रुपये केजी। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो उन्हें हर चीज महंगी लगेगी, लेकिन नहीं। खासियत बताइए आप, खासियत क्या है? खासियत ये है कि खासियत बताई तो उन्होंने बताया कि इसमें टेस्ट में मजा है, और जितनी वैरायटी हमारे पास है शायद ये आपको कहीं और मिले। अच्छा इनका तेल तो नहीं निकला? नहीं नहीं, ये अब बारी आती है बादाम की। बादाम के बारे में बताया कि ये मामरा है। मामरा का नाम मैंने पहले सुन रखा है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पता। उन्होंने बताया कि 10 से 12 किस्म के मामरा होते हैं, लेकिन उनके पास फ़िलहाल 3 तरह के हैं, और ये जो है फुल ऑफ ऑयल है। और इसके बारे में बताया कि ये 70 भाई के नाम से जाना जाता है। ये 70 भाई मामरा है, जिसकी कीमत वाकई में आप सुनकर शायद चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि मैं भी चौंक गई थी। 5000 रुपये? 5000 रुपये? आधे आदमी कहेंगे कि कहीं सोना तो नहीं ले रहे हैं मगर के लोग देखते सोने से भी फायदा मंद है। हाँ। अकरम भाई का कहना है कि अगर आपने एक बार ले ली तो आप मेरे पास बार बार आएंगे, और ये जरूर कहेंगे कि वाकई में अकरम भाई सोने से भी ज्यादा फायदेमंद चीज है, और टेस्ट जो है इसका बहुत ही ज्यादा मजे का है। बार बार तुम्हारे से लेगा खुशी से। सामने ही टोकरी में मजेदार खजूर पड़ा था, जिसे देख के वाकई में मुंह में पानी आ रहा था। हाथ लगाने पे तो और दिल किया कि इसे खा लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, नरम था एकदम। इसका नाम उन्होंने बताया, इसका नाम नाखूनी है, जिसकी प्राइस जो है 1000 रुपए केजी है। अब बारी आती थी पिस्ते की। पिस्ते का साइज जो था वाकई में काफी बड़ा था। उन्होंने कहा कि ये पिस्ता साइज में काफी बड़ा है, और उसका टेस्ट जो है
बहुत ही मीठा है। मीठा कहते हैं कि साथी दिल किया कि एक पिस्ता खोल के टेस्ट कर लिया जाए। साइज में दाना भी बड़ा था जिसकी कीमत जो थी 1600 रुपए केजी थी। दाना भी बड़ा है, टेस्ट में भी मीठा है। अब बारी थी अंजीर की। अंजीर जो है ना, ये रस्सी में पीली हुई मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे माला हो। तो उन्होंने बताया कि अंजीर बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है और उनके पास दो तरह के अंजीर है। वैरायटी तो एक ही है लेकिन बस एक थोड़ा छोटा अंजीर है और एक बड़ा। छोटे वाले की कीमत 1800 रुपये के जी और बड़ा वाला जो है उसकी कीमत है 2200 रुपये के जी। अब ये जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं छोटी सी डिबिया, ये आप सबको पता है कि बहुत ही काम की डिबिया है क्योंकि इसे हम बच्चों को सर्दियों में दूध में डाल के देते हैं। जी हाँ, ये है केसर। इसका नाम उन्होंने बताया कि इसका नाम सिफर नगीन है। काफ़ी भारी भरकम नाम था लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। इसकी कीमत जो है 1 ग्राम की कीमत 600 रुपये है। उन्होंने बताया कि ये असली सिफर नगीन केसर है क्योंकि इसको जब आप खोलेंगे तो इसका एक एक दाना आपको अलग नज़र आएगा। उन्होंने सारे दाने हाथ में डाल के दिखाए। वाकई में एक एक दाना खिला हुआ था और अगर आप एक पत्ती भी दूध में डाल के इस्तेमाल करें तो आपको पूरा टेस्ट और रंग जो है प्रॉपर मिलने वाला है। इसकी खासियत यही है कि एक एक दाना इसका खिला हुआ होता है। ये किशमिश है, ये शुगरखानी किशमिश। अच्छा, शुगरखानी किशमिश। हाँ, ये शुगरखानी किशमिश, मतलब ये शुगर वाले पेशेंट आराम से खा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल खा सकते। ये शुगरखानी है, बहुत बढ़िया। देखो ये भी है खानदारी किशमिश, छोटा है। अच्छा, ये खानदानी, ये छोटा है। हाँ, खानदारी, ये छोटा है। अच्छा, खानदारी, मैंने खानदानी। नहीं, खानदारी। अब बात करते हैं किशमिश की एक और वैरायटी जिसका नाम खानदारी है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठी है और इसकी कीमत 800 रुपये के जी है। इससे पहले जो उन्होंने दिखाई जिसका नाम शुगर खानी थी, वो शुगर पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है और उसकी कीमत 1000 रुपये के जी है। अब बारी आती है ब्लैक किशमिश की, जिसे हम ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पर ये काली किशमिश बोल रहे थे इसे, जिसकी कीमत 1200 रुपये के जी है। काफ़ी अच्छी थी टेस्ट में, थोड़ा टेस्ट खट्टा मीठा था लेकिन अच्छा था। अब आइए चलिए जानते हैं थोड़ा सा खुबानी के बारे में। खुबानी के बारे में उन्होंने बताया कि काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप रात को एक गिलास पानी में खुबानी और उसके साथ थोड़े से किशमिश और बादाम भिगो के रख लें और सुबह को नहार मुँह पिए तो पेट की गर्मी जो है काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। खुबानी जो है काफ़ी मीठी बता रहे थे और इसका जो प्राइस था वो था 1000 रुपीज़ के जी, यानी कि 1000 रुपये किलो। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अब दिखाया हमें किशमिश। किशमिश की इनके पास काफ़ी वैरायटी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये वाली किशमिश जो है उन्होंने बताया कि इसका दाना काफ़ी बड़ा है और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी खट्टा और मीठा टेस्ट है। इसकी कीमत बताई उन्होंने 1200 रुपये के जी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि मैंने पूरी वीडियो में टोटल कितने ड्राई फ्रूट्स दिखाए हैं और उनके बारे में बताया है। ये है कागजी बादाम। हाँ, आज से टूटेगा, तोड़ो, खाओ, बहुत मीठा, बहुत बढ़िया है। ओ, टूट गया। जी जी, ये देख। हाँ, ये क्या हिसाब है? ये है 1800, 2000 रुपये हम लोग बेचते हैं। 2000। देखने से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कागजी बादाम वाकई में कागजी थे, क्योंकि जब मेरे जैसे कमजोर आदमी तोड़ सकता है तो आप तो आराम से तोड़ सकते हैं। अब बारी आती थी अखरोट की। जी, ड्राई फ्रूट्स में हम अखरोट को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा साइज अखरोट है। इसकी खासियत है कि फुल ऑफ ऑयल है और इसका टेस्ट जो है काफ़ी मीठा है। काफ़ी इसरार करने के बाद जब मैंने उसे टेस्ट किया, बहुत टेस्टी है, मतलब मुंह में पता लग रहा है कि ऑयल है। अब बारी थी खजूर की एक और वैरायटी के बारे में जानने की। जी हाँ, इसका साइज वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसका नाम इन्होंने बताया, इसका नाम इलमंदी है और ये अफगानिस्तान में अभी कुछ 4 साल पहले से उगने शुरू हुए हैं, जिसकी कीमत 2500 रुपये के जी है। और इसकी खासियत के बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसका बीज छोटा होता है, गूदा ज्यादा है, माल ज्यादा है। जी जी, ये आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
अगर किसी को आपके ये ड्राई फ्रूट्स पसंद आ रहे हैं और मंगवाने होंगे तो फिर वो कैसे मंगवाएगा? ये आमलों का ऑनलाइन भी है वो। अगर आपको ये ड्राई फ्रूट्स पसंद आए हैं और आप मंगवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहाँ से ये ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स मंगवा सकते हैं। इनकी फुल डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।